गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, इस सीरीज में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास फर्स्ट को। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में हम स्टडी कर चुके हैं कि किस तरीके से हम काउंटिंग्स कर सकते हैं। अपने फिगर के आधार पर हमने काउंटिंग सीखी थी, उसके बाद नंबर और नंबर नेम्स को सीखा। उसके बाद हम लोग अपने काउंटिंग नंबर्स के पास पहुँचे, जहाँ हमने सीखा कि वन डिजिट नंबर क्या होते हैं, एक अंकों वाली संख्याएं कौन सी होती हैं और टू डिजिट नंबर्स क्या होते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड एंड आफ्टरवर्ड काउंटिंग हमने सीखा, जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में सीखा। अब चलते हैं पार्ट थर्ड के पास। पार्ट थर्ड, क्लास फर्स्ट, चैप्टर टू डिजिट नंबर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ सीखेंगे नंबर्स एंड नंबर नेम्स को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, दो नंबर डिजिट में हम 10 से 99 तक स्टडी इस चार्ट के अकॉर्डिंग करने जा रहे हैं। आप देख पा रहे हो, तो करते हैं स्टार्ट। नेम्स ऑफ टू डिजिट नंबर्स, रीड द नंबर नेम्स। टेंस 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20s, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30s, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40s, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60s, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70s, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80s, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने टू डिजिट नंबर्स को उनके नंबर नेम के साथ स्टडी किया। अब देखना है टेस्ट करके कि क्या आपको नंबर और नंबर नेम्स के विषय में जानकारी हो गई है या नहीं। मैच द नंबर्स विद देयर नंबर नेम्स। यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं टेबल में बेटा, और इनके आगे उनके नंबर नेम्स हैं। आपको नंबर को उनके नंबर नेम के साथ मैच करना है कि कौन सा नंबर किस नंबर नेम के साथ मैच किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, हम आ गए अपने आंसर शीट के पास, जिसमें बताया गया है मैच द नंबर्स विद देयर नंबर नेम्स। नंबर को उसके नंबर नेम के साथ हमने ऐड किया है। अभी आपने इससे पहले टेबल में देखा, आप अपने आंसर को अपने आंसर शीट के साथ मैच कर सकते हैं। ये हमारी आंसर शीट, ऐसे आप अपनी वीडियो को पुश करके भी इसे चेक कर लीजिएगा। 41 को 41 से हमने जो है मैच किया, इट इज़ 24 को 24 के साथ, जस्ट लाइक हम लोग नीचे देखें और हम यहाँ देख पाएंगे 33 को 32 के, सॉरी 33 हमने यहाँ 33 लास्ट में नीचे मैच किया है, 28 को जस्ट सामने 28 हमारा लिखा है, एंड 32 को हमने यहाँ पर 32 के साथ मैच किया है। तो ये थी हमारी टेबल जो एज ए फिल इन द सॉरी मैचिंग वर्ड के रूप में रखी गई है, हम इसे देख सकते हैं। ये हमारी आंसर शीट है जो अभी हमने पीछे जो टेबल आपको दिखाई थी, जो तालिका दिखाई थी, उसके आधार पर। तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से इस टेबल को सामने नंबर को नंबर नेम के साथ मैच किया है। अब हमारे सामने एक और टेस्ट तालिका दे रखी बेटा, परीक्षण हमारा होना है, हम देखना है इट इज 20। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पर नंबर लिखना होगा 20, हमें हर प्रकार से 20 लिखना है। 48 जस्ट लाइक हमको यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं, डिजिट लिखने हैं 48, यानी कि यहाँ नंबर नेम्स दे रखे हैं हमें हमारे डिजिट के, और वहाँ हमें बॉक्स में डिजिट लिखने हैं। तो आप इनको एक नज़र देख लीजिएगा, वीडियो को पुश कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, इनको फिल करते हैं और देखते हैं कि हम जो विचार कर रहे हैं कि इनमें क्या आना चाहिए, वो आंसर शीट में मैच होता है या नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा रफ शीट है, इस पर हम इसे फिल करेंगे। इट इज़ 22। तो क्या हम इसको 22 लिखेंगे या 24 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ हम देख पा रहे हैं इट इज़ 20, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, इट इज़ 20। हम आगे चलते हैं और देखते हैं 48, जस्ट लाइक इट इज 48, हम इसे फिल करेंगे 34 इट इज, एंड इट इज 22, इट इज 26, हम यहाँ पर 26, इट इज 31, हम यहाँ पर 31, एंड 37, इट इज आवर 37, 42, इट इज 42, एंड यहाँ हमको क्या फिल करना है 40, तो डिजिट में हमने 40 यहाँ लिखा, इसी प्रकार 27, इट इज 27। इस प्रकार से यहाँ हम लोग देखें कि इट इज 26, व्हाट इज दिस। अब हम सीखेंगे किस तरीके से हम दो या दो से अधिक हमारे सामने डिजिट दिए हुए होते हैं तो हमें उनमें से एक नंबर बनानी होती है। हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर बेटा, राइट द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर्स एंड द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर्स फॉर्मड यूजिंग द गिवन डिजिट्स। जो हमको डिजिट दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं 379 हमें डिजिट दिए गए हैं, और इनसे हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर बनाना है, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है, और इसी पर आधारित हमें लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर यानी कि हमें दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो यहाँ हमें समझना है कि स्मॉलेस्ट नंबर जब हम स्टडी करेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमको सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो 379 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3। उसके बाद जो बड़ी संख्या होगी, उसके बाद उसके जस्ट बाद जो बड़ी संख्या हमें मिल रही देखने को मिल रही है वो है 7। तो हमने क्या किया, टू डिजिट्स ले लिए, सबसे छोटा उससे बड़ा, एंड देन हम लार्जेस्ट नंबर पे चलते हैं तो हमें क्या करना होगा, ये जो हमारे तीन डिजिट दिए गए हैं, 3 डिजिट दिए गए हैं, तीन संख्याएं दी गई हैं, अलग अलग अंक दिए गए हैं बेटा, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बड़े अंक को लिखेंगे, बड़े डिजिट को लिखेंगे। तो 9 को हमने सबसे पहले लिखा, एंड उसके बाद 7 को हमने लिखा। इस प्रकार से हमारे सामने लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर आ जाती है। अब हमें बेटा उसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, उसी एग्जाम्पल की तरह हमें यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर और यहाँ बिगेस्ट नंबर को फिल करना होगा। 205
ये हमारे पास डिजिट हैं जिनसे हमें एक नंबर बनानी होगी। उसी प्रकार से 6824905 2 4, इसके आधार पर हम सबको यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर एंड बिगेस्ट नंबर बनाना होगा। देखते हैं, अभी हमने जो टेबल देखी उस टेबल को हमने ये बेटा यहाँ लिख लिया है और यहाँ पर मैंने फिर से एक बार लिख दिया है, राइट द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर फॉर्म यूजिंग द गिवन डिजिट्स, डोंट रिपीट द डिजिट। आपको ध्यान रखना है कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बनानी है और दो अंकों की ही सबसे बड़ी संख्या बनानी है। लेकिन आपको बेटा ध्यान रखना है अपनी संख्या को बनाते समय कि कोई भी अंक दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ये तीन अंक हमारे सामने दिए गए हैं, तीन अंकों को मिलाकर इनमें से किन्हीं भी दो को मिलाकर हमें एक सबसे छोटी संख्या बनानी है। और हम लोग देखें, यहाँ हमें इस कॉलम में लिखना होगा स्मॉलेस्ट नंबर और यहाँ लिखना होगा लार्जेस्ट नंबर। तो देखते हैं, आंसर शीट को फिलअप करते हैं आपके लिए और ये आपकी आंसर शीट फिलअप हो गई है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि यहाँ 205 का 20 इज स्मॉलेस्ट एंड 52 इज लार्जेस्ट, ये छोटी संख्या है सबसे और ये बड़ी संख्या होगी इनके आधार पर। सेकंड है 682 और इन डिजिट्स को हम देखें तो यहाँ पर 26 बेटा सबसे छोटी संख्या होगी और 86 बड़ी संख्या होगी। थर्ड पर आते हैं तो यहाँ पर बेटा ये हम देख पा रहे हैं कि 490 के आधार पर यहाँ जो हमारी संख्या है स्मॉलेस्ट वो 40 है और जो लार्जेस्ट है वो 94 है। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 529, ये हमारे डिजिट हैं, ये हमारे अंक हैं, इनमें से कितने दो अंकों को उठाना है हमको और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो ये हमने सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 ले लिया है, इसके बाद हमने इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या को यहाँ पर 4 पर ले लिया है। इसके बाद हम लोग देखें यहाँ हमारी लार्जेस्ट नंबर होगा, तो लार्जेस्ट नंबर में हमें सबसे पहले वही ध्यान रखना है कि सबसे पहले सबसे बड़ी जो संख्या है, जो सबसे बड़ा डिजिट है, उसे हमने सबसे पहले लिख देना होता है एंड देन कंपैरिजन उससे छोटा जो डिजिट है जैसे कि यहाँ 4 है हम उसको यहाँ लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने इस टेबल को कंप्लीट किया कि हम किन्हीं भी दिए गए डिजिट में से, किन्हीं भी दी गई अंकों में से कुछ अंकों को लेकर स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। जो कुछ बेटा हम स्टडी कर रहे हैं इसे आप अपनी फेयर नोटबुक पर नोट भी कर सकते हैं। और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स इस सीरीज में जिसके अंतर्गत चल रहा है क्लास फर्स्ट, और क्लास फर्स्ट के अंतर्गत हम लोग ले रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर जिस चैप्टर का नाम है टू डिजिट नंबर्स। और हम मेरे प्यारे बच्चों, बाकी जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ और अपर देन क्लासेस, तो बेटा वो कन्फ्यूज ना हो और बिल्कुल भी जो है ये चिंता ना करें कि आपकी जो क्लासेस है वो नहीं आएंगी। फर्स्ट क्लास के तुरंत बाद यानी कि कल हम इसकी सेकंड क्लास को अपलोड करेंगे एंड देन थर्ड क्लास को अपलोड करेंगे और इन्हीं 2 और 3 डेज में सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद सभी के सेकंड चैप्टर अपलोड होंगे, उसके बाद थर्ड चैप्टर अपलोड होंगे। इस प्रकार से कंप्लीट मैथमेटिक्स आपकी होम क्लासेस में, दैट मीन्स ऑनलाइन क्लासेस में आपको अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। इस बार आपके विद्यालय में एक नई पहल की जा रही है जिसके तहत सुविधा की जा रही है कि सभी बच्चे कोचिंग क्लासेस तक नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ परिवार हमारे ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिकली सपोर्ट नहीं कर पाते हैं या किसी के पास टाइम नहीं होता है, तो वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए या एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए कहीं भी कोचिंग क्लासेस पर नहीं पहुंच पाते। उन बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है कि आप अपने कैरियर प्लस पर आएँ, बहन जुड़ें और यहाँ पर एवरी सब्जेक्ट को इसी प्रकार आपको ऑनलाइन क्लासेस होल ईयर पूरे वर्ष आपको ऑनलाइन क्लास मिलेगी। यदि किसी कारण से आप स्कूल नहीं आ पाते हैं, आप स्कूल मिस कर देते हैं या आप एबसेंट आपकी हो जाती है, तो उस दिन आपको क्या स्टडी कराया गया है वो आपके हाथ से निकल गया है, अब वो कैसे समझ में आएगा, उसकी एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट होगी, ये सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अब आपका हो गया है। डेफिनेटली आप अपने स्कूल के ऑनलाइन पर अपना क्लास, अपना सब्जेक्ट ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपकी क्लास का पीरियड शुरू, वह सॉल्यूशन आपको मिलेगा जिसके आधार पर अपनी फियर भी मेंटेन कर सकते हैं और उस चैप्टर को ठीक से समझ भी सकते हैं। तो गाइस आज की क्लास यहीं तक है और पीरियड आपका ओवर होने जा रहा है, नेक्स्ट पीरियड लगने वाला है, कोई और टीचर आपकी क्लास में आएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ आपने स्टडी किया है इसे आप रिवाइज करें, यदि आपको एक बार में अंडरस्टूड नहीं होता है, एक बार में समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप उसको दोबारा समझिएगा और इसे अपनी फियर पर नोट कीजिएगा।
मैं आशा करता हूँ आपको अपनी स्टडी बेहतर लगी है और आपकी समझ में आई है। बेहतर लगी है, समझ में आई है, तो आप अपनी इस क्लास की वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं और जिसकी वजह से हम घर पर बैठकर ही अपनी स्टडी को कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में यह लिखकर जरूर बताएं कि आपको अपनी क्लासेस में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है और आपको ऐसा लगता है, मेरी पेरेंट्स से भी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आपको लगता है कि इनको कुछ और इजीएस्ट वे में समझा जाए, कुछ और सरलतम तरीके से समझा जाए, तो हम उसको अपने कदमों को बढ़ाएंगे और इस सॉफ्टवेयर में रिकॉर्डिंग स्टेटस में कुछ चेंजिंग करेंगे और अपनी स्टडी को और आसान बनाएंगे। आई विश यू बेस्ट फॉर द साइट। गुड डे।